वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 4 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर पाया जाता है, ये स्पंजेस के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंदर पाया जाता है, कोई लैंटीरियड्स के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऑर्गेन सिस्टम लेवल किसके अंदर होता है, ये प्लेटी हेलमिट्स के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो किसका करेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेन सिस्टम लेवल, एनिमल्स का है, मैमल्स का है, आर्थ्रोपोड्स का है, तो सबके अंदर क्या होता है, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, व्हेन द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। तो जब जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली इसके अंदर बाथ होते रहते हैं ब्लड के अंदर, तो वो कौन सा होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर आएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द ब्लड इज इन सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स इन द सेल्स एंड टिश्यूज आर नॉट डायरेक्टली बाथ इन इट। तो जब है जो ब्लड है वो सर्कुलेटेड होता है थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स एंड जब और जो सेल्स और टिश्यूज हैं वो इसके अंदर क्या है, डायरेक्टली बाथ नहीं करते हैं, तो वो कौन सा होता है, क्लोज टाइप होता है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन एनी प्लेन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। जब कोई भी प्लेन है, जब ऑर्गेनिज्म को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करते हुए, तो कौन सा होता है ऑर्गेनिज्म को, कौन सा बोल रहे हम, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होता है वो, ऑप्शन नंबर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स बॉडी कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय। तो कैसा होगा, एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, या फिर बाय ऑल द प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर, या फिर बाय सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, या फिर बाय सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड डिवाइडिंग इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ्स। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी। जो बायलैटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच फिलियम नेफिराइडिया आर प्रेजेंट। तो बताना है किस फिलियम के अंदर नेफिराइडिया होता है, एनालिट्स के अंदर होता है, किसके अंदर होता है हमारा, एनालिट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th, प्रेजेंस ऑफ थ्री एम्ब्रोनिक लेयर ऑफ एक्टोडम मेसोडम एंड एंडोडम अकर्स इन। तो जब तीनों लेयर प्रेजेंट होती है तब ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज कॉल्ड। जो बॉडी वॉल और जो गट वॉल के बीच में स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बॉडी कैविटी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉडी कैविटी लाइंस बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड। जब बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन करती है तो क्या होता है, कोइलम होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोइलम, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, एनिमल्स लेकिंग कोइलम आर कॉल्ड। जिस एनिमल्स के अंदर कोइलम नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं हम, एकोइलमेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड। जब वो बॉडी कैविटी वो मेसोडर्म से लाइन नहीं करती हैं, बट जो मेसोडर्म वो पाउचेस की फॉर्म में स्कैटर्ड है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में, इस तरह की बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं हम, स्यूडो कोइलम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पंजिस कोलेंटेट्स एंड प्लेटी हेलमिट्स ऑल आर, ये सब के सब क्या हैं, एक कोइलोमेट्स हैं, ऑप्शन नंबर हमारा आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16th, एस्कल हेलमिट्स आर, एस्कल हेलमिट्स हैं क्या है, स्यूडो कोइलोमेट्स हैं, तो ऑप्शन हमारा आएगा इसके अंदर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 है हमारा क्वेश्चन, एनालिट्स इंक्लूड्स, एनालिट्स के अंदर कौन कौन आता है, एकोइलोमेट्स एनिमल्स आते हैं, कोइलोमेट्स एनिमल्स आते हैं, या फिर मेटामेरिकली सेडिमेंट्री एनिमल्स आते हैं, तो इसके अंदर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी आता है।
तो कोलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, एनालिट्स और क्या होते हैं, मेटामेरिटली सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा डी, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो नोटोकोड किसका करेक्टरिस्टिक्स है, कोडिड्स का है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं, हम नॉन कोडिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैनल सिस्टम इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। कैनल सिस्टम किसके अंदर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पंजेस के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, एनिमल्स बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बायलैटरल सिमेट्री लार्वा एंड रेडियली सिमेट्री एडल्ट। तो बताना है वो कौन सा एनिमल्स है वो जो किस फिलम से बिलोंग करता है, जो बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा के अंदर होता है बट रेडियली सिमेट्री एडल्ट के अंदर होता है, काइनोडर्म्स के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेनोसाइट कोलर सेल्स आर फाउंड, कोलर सेल्स किसके अंदर पाए जाते हैं, स्पंजेस के अंदर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैनल सिस्टम इन स्पंजेस इज हेल्पफुल इन। कैनल सिस्टम है वो क्या काम करता है, फूड गैदरिंग करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट करता है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, बॉडी सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स और स्पंजेस फाइबर्स और बोथ इज फाउंड इन। तो किसके अंदर होती है ये, स्पिक्यूल्स और स्पंजेस किसके अंदर होते हैं, ये स्पंजेस के अंदर होते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजिला इज अ फ्रेश वाटर स्पंज एंड बिलोंग्स टू फिल्म। तो कौन से फिल्म से बिलोंग करता है, पोरीफ्रा से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कनाइडोब्लास्ट और कनाइडोसाइट आर फाउंड इन द एनिमल्स बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कनाइडोब्लास्ट है वो किस फिल्म से बिलोंग करता है, कोइलेंटीरेट से, किससे, कोइलेंटीरेट से, ऑप्शन नंबर इसमें आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है, कोरल्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कोरल्स है वो किससे बिलोंग करते हैं, कनाइडेरिया से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसमें सी, किससे बिलोंग करते हैं, कनाइडेरिया से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, इन कोइलेंटीरेट्स पोलिप्स प्रोड्यूस मेडूसा सेक्सुअली एंड मेडूसा प्रोड्यूस पोलिप्स एसेक्सुअली। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, मेटाजेनेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेटाजेनेसिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइसेलिया बिलोंग टू, फाइसेलिया किससे बिलोंग करता है, फिलियम कनाइडेरिया से बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, इन कोइलेंटीरेट्स द ऑर्गेनिल यूज्ड फॉर एनक्योरियस डेफेंस एंड फॉर कैप्चर प्रे। वो कौन सा ऑर्गेनिल्स को क्या बोलते हैं, कनाइडोब्लास्ट, कनाइडोब्लास्ट का यूज़ क्यों करते हैं, डेफेंस के लिए, एनक्योरियस के लिए या और अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, मैंड्रीना पेनेंटिलुना एंड गोर्गोनिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे बिलोंग करते हैं तीनों के तीनों, कोइलेंटीरेट से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैटिनो पोर्स आर कॉमनली नोन एज, क्या बोलते हैं हम इसको, सी वॉलनट भी बोलते हैं और कॉम जेलिस भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, कैटिनो प्लाना एंड प्लूरो ब्रांचिया बिलोंग्स टू फिलम। किस से बिलोंग करते हैं, क्रिटोफोरा से बिलोंग करते हैं, सी ऑप्शन नंबर आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, वर्म्स बिलोंगिंग टू फिलियम प्लेटी हेलमिस आर कॉमनली कॉल्ड। प्लेटी हेलमिस के अंदर जो वर्म्स होते हैं क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एकोइलोमेट एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन फिलियम। तो कौन से के अंदर बिलोंग, फिलियम के अंदर इंक्लूड होते हैं, एकोइलोमेट्स प्लेटी हेलमिस के अंदर होते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन एंड आर फाउंड इन। तो फ्लेम सेल्स अब किसके अंदर क्या करते हैं, फंक्शन क्या होता है, वो ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं और एक्सक्रेशन का काम करते हैं, तो ये किसके अंदर होता है, ये प्लेटी हेलमिंट्स के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा आएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस द हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो हमें सबसे पता ही है ये सबसे अच्छा रीजनरेशन कैपेसिटी किसके अंदर होती है, प्लेन एरिया के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर सी में हमें आ रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, टेपवर्म एंड फेस्कियोला लीवर फ्लक बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे बिलोंग करते हैं ये, प्लेटीहेडिन से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड स्यूडोकोलोमिट्स एनिमल्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस जो ट्रिप्लोप्लास्टिक और स्यूडोकोलोमिट्स सब किससे बिलोंग करते हैं, एस्कलहेलमिन से बिलोंग करते हैं, किससे, एस्कलहेलमिन से। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फिलियम एस्कलहेलमिन्स। तो एस्कलहेलमिन्स से कौन कौन बिलोंग करते हैं, देखो एस्कारिस है ये भी एस्कलहेलमिन्स से बिलोंग करता है, विकेरेचिया भी है एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा, तो ये सब के सब क्या हैं, एस्कलहेलमिन्स हैं। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40, लेटरल अपेंडिज कॉल्ड पैरापोडा विच हेल्प इन स्विमिंग और फाउंडिंग। तो वो पैरापोडा है किसके अंदर पाया जाता है, ये नीरसिस के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, द एनिमल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो कौन सा एनिमल्स है जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, एनालिट्स के अंदर, किसके अंदर होता है ये, एनालिट्स के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोशियस, कौन सा है इसमें अंदर बताना है। नर्ड्स हैं, लीच है या फिर अर्थवर्म है। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा बी एंड सी, अर्थवर्म एंड लीच, ये दोनों ही क्या है, मोनोशियस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है किसका करेक्टरिस्टिक्स है, वो एनालिट्स का है। एनालिट्स के अंदर क्या है, सबके सब के जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, ट्रिप्लोप्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्रिकल कोइलोमेट्स एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स बिलोंग टू। तो मेटामेरिक सेगमेंटेड अब किससे बिलोंग करते हैं, एनालिट्स के अंदर बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फिलियम एनालिट्स। तो एनालिट्स से कौन से बिलोंग करते हैं, नीरसिस बिलोंग करता है, फेरेंटिम बिलोंग करता है, हिरोन डेनेरिया बिलोंग करता है। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46, जॉइंटेड अपेंडिज इज अ यूनिक फीचर ऑफ, किसका फीचर है जॉइंटेड अपेंडिज, किसके अंदर होता है, एर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय मेल्फिजिनियन ट्यूब्यूल्स इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसके अंदर होता है मेल्फिजिनियन ट्यूब्यूल्स से एक्सक्रीशन होता है और ऑस्मोरेगुलेशन होता है। तो किसका करेक्टरिस्टिक्स है, इंसेक्ट्स का है, यानी आर्थ्रोपोडा के अंदर होता है ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, लोकस्टा बॉम्बिक्स एंड लेसिफर एंड एड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फिलियम। तो किससे, किसके एग्जाम्पल है ये, सब के सब एर्थ्रोपोड्स से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49, अनसेगमेंटेड बॉडी डिवाइड इनटू हेड मस्कुलर फुट एंड वाइसरल मास इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसका है, जो बॉडी है इनको डिवाइड किया गया हेड में, मस्कुलर फुट में एंड वाइसरल मास में। तो किसका करेक्टरिस्टिक्स है, मोलस्का का करेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन नंबर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए रेस्पिंग ऑर्गेन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये रेस्पिंग ऑर्गेन है फीडिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं रेडुला, कि वो किसका, किसके अंदर होता है रेडुला, ये मोलस्का के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51, मेंटल एंड मेंटल कैविटी आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेंटल एंड मेंटल कैविटी किसके अंदर होती है, ये भी मोलस्का के अंदर ही होती है। तो ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोलस्का। तो बताना है कौन सा मोलस्का से बिलोंग करता है, डेविल फिश, सेपिया, पिनेंटुला। तो ये सब के सब क्या है,
मोलस्का से बिलोंग करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। इन एकाइनोडर्म्स सिस्टम डैट हेल्प इन लोकोमोशन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन इज नेम्ड। तो इकाइनोडर्म्स के अंदर वो कौन सा है जो लोकोमोशन करता है, कैप्चर करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, कौन सा होता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो इकाइनोडर्म्स का है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में आया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स बाइलिटरली सिमेट्रिकल लार्वा फॉर्म्स एंड रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट्स। तो वो बताना है कौन सा है जब वो बाइलिटरली सिमेट्रिकल लार्वा स्टेज के अंदर क्या होता है, वो बाइलिटरिकल सिमेट्री होते हैं, बट जब वो एडल्ट बन जाते हैं तब उसकी सिमेट्री कैसी हो जाती है? रेडियल हो जाती है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55। सर्कुलेटरी सिस्टम इज एबसेंट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर नहीं होता है? कोर्डेट्स के अंदर नहीं होता है, हेमिकोर्डेट्स के अंदर भी होता है, मोलस्का के अंदर भी होता है, बट इकाइनोडर्म्स के अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकाइनोडर्म्स। तो कौन सा इकाइनोडर्म्स है? एस्टिस इकाइनोडर्म्स है या फिर एंटीडन इकाइनोडर्म है, इहाइनस इकाइनोडर्म है? तो सारे के सारे क्या है? इकाइनोडर्म से बिलोंग करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। कुकुमेरिया एंड ओपेरा बिलोंग्स टू फिल्म। तो किस फिल्म से बिलोंग करते हैं? ये इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। प्रोबोस्किस ग्लैंड एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोबोस्किस जो ग्लैंड है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। तो ये किसके अंदर होती है? ये हेमिकोर्डेट्स के अंदर होता है ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस बिलोंग्स टू। किससे बिलोंग करते हैं? दोनों के दोनों हेमिकोर्डेट्स से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कोर्डेट क्रिएटर। तो सबसे प्राइमरी कोर्डेट क्रिएटर क्या होगा? देखो, जब उसके अंदर न्यूट्रोकोर प्रेजेंट होगी तब उसको बोलते हैं हम लोग कोर्डेट है, ठीक है। तो हमारे एक तो हो गया प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। नेक्स्ट हमारा होगा प्रेजेंस ऑफ ए पेयर्ड फ्रेंजल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ फोरो नब कोड। तो ये सब के सब फीचर्स हैं प्राइमरी कैरेक्टर, प्राइमरी कोडेड कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61। पोस्ट एनल ऑर्गन कॉल्ड टेल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो पोस्ट एनल ऑर्गन नंबर किसके अंदर होती है? सिर्फ और सिर्फ कोडेट्स के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसके अंदर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62। नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल। जब नोटोकोड केवल और केवल लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट हो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? यूरोकोडेट्स का। यूरोकोडेट्स क्या होते हैं? नोटोकोड्स को अगर तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, तीन सब फिलियम में डिवाइड कर दिया गया है, यूरोकोडेट को, सिफेलो कोडेट्स और वर्टिब्रेट्स, तो तीन में डिवाइड किया गया है। तो जो नोटोकोड है वो जब लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होती है तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? यूरोकोडेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63। हडमेनिया सेल्पाइन डाइलोनियम बिलोंग्स टू सब फिलियम। तो किससे बिलोंग करते हैं? सबके सब यूरोकोडेटा से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसके अंदर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोटोकोडेट्स इंक्लूड। प्रोटोकोडेट्स किसके अंदर पाए जाते हैं? ये यूनिकोडेट्स, यूरोकोडेट्स एंड सिफेलोकोडेट्स दोनों के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसके अंदर बी, सॉरी डी, ए एंड बी ऑप्शन आ जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65। नोटोकोड्स एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रसिस्टेड थ्रू आउट देयर लाइफ इज कॉल्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जब नोटोकोड्स हैं हेड टू टेल रीजन में हो और वो पूरी लाइफ के टाइम प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? किसके अंदर होता है? ये सिफेलोकोडेट्स के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसके अंदर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोटोकोड्स पार्शली और फुली रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जब नोटोकोड है वो पार्शली हो या फिर फुली
रिप्लेस किससे हो जाए, वर्टिब्रेट कॉलम से, तो किस करैक्टरिस्टिक्स हो गया वर्टिब्रेट्स का, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेंट्रल मस्कुलर हार्ट किसके अंदर पाया जाता है, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है, और जो डोर्सल मस्कुलर हार्ट होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, नॉन वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रेंचियोस्टोमा इज एन एग्जाम्पल, ब्रेंचियोस्टोमा किसका एग्जाम्पल है, ये सिफेलोकोडेट्स का एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 69, सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स एंड हैविंग ए सिंगल नोस्ट्रिल एंड क्लोज सर्कुलेशन आर द इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किसका करैक्टरिस्टिक है बताएं, माउथ है जो विदाउट जॉ है यानी कि जॉ नहीं है, लेक जॉ, पेयर्ड फिन्स हैं, सिंगल नोस्ट्रिल है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो किसका करैक्टरिस्टिक है ये, साइक्लोस्टोमा का। किसका करैक्टरिस्टिक है ये, क्लास है ये एक साइक्लोस्टोमा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70, विच ऑफ द फॉलोइंग मराइन एनिमल्स मूव्स टू फ्रेश वाटर फॉर स्वैम्पिंग, तो जब जो मराइन एनिमल्स है वो फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर सकते हैं ना स्वैम्पिंग फॉर स्वैम्पिंग के लिए, तो वो किसका करेक्टरिस्टिक है, किसके अंदर होता है ये, पेटीरोमाइजन के अंदर होता है और माइक्सिन के अंदर होता है, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71, पेट्रोमाइजन एंड माइसिन बिलोंग टू क्लास, तो किस क्लास से बिलोंग करते हैं ये, साइक्लोस्टोमा से बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसके अंदर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72, प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन वेंट्रली लोकेटेड माउथ, फाइव पेयर ऑफ गिल स्लिट विदाउट ओपरिलियम ओपरिकुलम परसिस्टेंस नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ, स्किन बेरिंग प्लैकोइड प्लैकोइड स्केल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, तो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, कोनड्रिकाइटिस का है, किसका है, कोनड्रिकाइटिस का है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73, प्रिस्टिस ट्राइगन एंड कैरकोडोन बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हैं ये, सब कोनड्रिसाइट से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74, ओपरक्यूलम एंड एयर ब्लैडर आर एब्सेंट इन, तो ओपरक्यूलम और एयर ब्लैडर किसके अंदर नहीं होते हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेज के अंदर नहीं होते हैं ये, तो ऑप्शन नंबर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, टर्मिनल माउथ फोर पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ओपरक्यूलम बॉडी कवर्ड विद साइक्लोइड स्केल्स आप करें, तो किसके अंदर होता है ये, ओस्टिकाइटस के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सोकोइटस हिप्पो एम्पस एंड क्लैरिस बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हैं ये, बोनी फिशेज से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन नंबर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77, एनिमल्स दोज कैन लिव बोथ इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78, द कॉमन चैम्बर इन विच एलिमेंट्री कैनल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इज कॉल्ड, तरह कि जब कॉमन चैम्बर है, जब यूरिनरी ब्लैडर और जो रिप्रोडक्टिव है वो एक ही कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोका, क्या बोलते हैं, क्लोका, ऑप्शन नंबर डी आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79, बुफो रैना एंड हाइला किस से बिलोंग करते हैं, ये सब के सब क्लास एम्फीबिया और फिलियम इसका क्या है, कोडेट्स हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रीपिंग और कोइलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इज फाउंड, तो क्रीपिंग है और कोइलिंग है वो किसके अंदर होती है, रेप्टाइल्स के अंदर होती हैं, वो क्रीप भी कर लेते हैं और कोइल भी कर लेती हैं, जैसे कि स्नेक है ना वो कोइल हो जाता है ना, तो इस तरह से एग्जाम्पल होगा रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल्स के अंदर होता है ये, ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विद देयर बॉडी कवर्ड बाय ड्राई और कॉनिफाइड स्किन एपिडर्मल स्केल और स्क्यूटस आर इंक्लूडेड इन द क्लास, तो जब बॉडी जो रेप्टाइल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो ड्राई होती है, तो ये किसके अंदर होती है, रेप्टाइल्स के अंदर होती है, तो रेप्टाइला के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है। एक तो हमें पता है कौन सा है, एक तो होता है हमारा ओस्ट्रिच है, एक हमारा जो है ईमू है, एक हमारा बर्ड है वो भी फ्लाइटलेस बर्ड है, एक ओस्ट्रिच हो गया, एक यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है स्टूटो, तो ये भी हमारे क्या है एक फ्लाइटलेस बर्ड है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड वार्म ब्लडेड। तो कौन सा है जो वार्म ब्लडेड है, एव्स तो या एव्स है एंड मैमल्स हैं, दोनों ही क्या है वार्म ब्लडेड है, रेप्टाइल्स है वो कूल ब्लडेड होते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें आएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स कूल ब्लडेड। तो कूल ब्लडेड कौन से हैं, सुपर क्लास पाइसिस के अंदर एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, ये सब क्या हैं कूल ब्लडेड हैं, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85, प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन्स इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन्स किसके अंदर होती है, ये एव्स के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर हमारा आएगा इसके अंदर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86, कम्प्लीटली फोर चैम्बर हर्ट इज फाउंड। तो पूरा कम्प्लीटली फोर चैम्बर किसके अंदर पाया जाता है, ये रेप्टाइल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87, एयर्स है कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन आर फाउंड। तो जो एयर सैक है वो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, किसके अंदर होते हैं, बर्ड्स के अंदर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88, मैमल्स आर द करेक्टराइज्ड बाय। जो मैमल्स हैं वो किससे करेक्टराइज होते हैं, प्रेजेंस ऑफ उनके अंदर हेयर से होते हैं, वीवी पोरस होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्लाइंग एनिमल्स मैमल इज। तो साइंटिफिक नेम बताना है जो मैमल्स हैं वो फ्लाइंग कर सकते हैं, कौन सा है, पेटेरोपस, क्या बोलते हैं उसको, पेटेरोपस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग लेइंग मैमल। तो कौन सा है जो एक मैमल है बट वो एग देता है, कौन सा है, ऑर्निथोराइकस, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन। तो किस फिलियम के अंदर मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है, एर्थ्रोपोड्स, यानी कि टोटल जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर एनिमल्स हैं, इनकी इंसेक्ट सब कुछ मिलाकर, तो इनका जो 1/3 पार्ट है ना वो सबके सब क्या है, एर्थ्रोपोड्स हैं, इनकी इंसेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमारे कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है भाई, तो हमारा इसमें बताने में ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रेट्स, क्या सबके सब कोडेट वर्टिब्रेट्स हैं, नो बिल्कुल गलत है ये, तो सबके सब कोडेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, क्योंकि कोडेट्स हम को तीन में डिवाइड किए गए ना, तीन सब क्लास में, यूरो कोडेटा में, सिफेलो कोडेट्स में या और वर्टिब्रेट्स में, तो ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट में क्या होता है, नॉन कोडेट्स है वर्टिब्रल कॉलम, नहीं नॉन कोडेट के पार्ट्स कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट, ये सही दिया हुआ है कि जो सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं वो कोडेट हो सकते हैं, बट सबके सब कोडेट वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते हैं। एनसीटी में भी लाइन दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और दी ऑप्शन में क्या दिया, इन वर्टिब्रेट पोजेसेस ए ट्यूबुलर नर्व कोड, ये भी रॉन्ग है, तो इन वर्टिब्रेट्स के अंदर कोई भी ट्यूबुलर नर्व कोड नहीं होती, तो उसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, किसके अंदर होता है, ये नेरेसिस के अंदर होता है या फिर ऑक्टोपस के अंदर होता है या फिर फ्रेटीमा के अंदर या फिर पेरीप्लैनेटा के अंदर होता है। तो किसके अंदर होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, पेरीप्लैनेटा के अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94, ऑल ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स आर प्राइमरली। तो जितने भी सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
इन वेजिटेबल प्लास्टिक एनिमल कोयलम इज एब्सेंट, तो वो बताना है कौन सा ऐसा एनिमल है, सॉरी ट्रिपल प्लास्टिक एनिमल है जिसके अंदर कोयलम एब्सेंट होता है। किसके अंदर होता है? प्लैटी हेलमिट्स के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव ए लूज मेंटल कवर ओवर द बॉडी, तो बताना है किसके ऊपर, जो बॉडी के ऊपर लूज मेंटल कवर होते हैं किसके अंदर होता है, ये मोलस्क के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97, विच वन फीचर इज ए कॉमन टू लीच कॉकरोच एंड स्पोरपियम, तो ये इम्प्स में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कॉमन फीचर है जो लीच के अंदर भी होता है, कॉकरोच के अंदर भी होता है और स्कॉर्पियन के अंदर भी होता है। क्या होता है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दोनों सबके तीनों के अंदर ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्लेम सेल्स जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसके अंदर होते हैं, फ्लेम सेल्स प्लैनेरिया के अंदर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू कोयल एंटीनेट्स के ऊपर, भाई कौन सा एप्लीकेबल नहीं होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, नोमेटोप्लास्ट भी होता है, कोलेंट्रॉन्स भी होता है, तो क्वेनोसाइट है जो कोलेंटीनेट्स पर अप्लाई नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, ये भी एम्स में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विलियम एनालिट्स, तो एनालिट्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसके अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेशन भी होता है, क्लोज सर्कुलेशन भी होता है, बट सूडोकोलम नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फिलिया इज करेक्टली मैच विद इट्स टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो बताना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मैच बताना है, फर्स्ट क्या ए में क्या दिया, इकाइनोडर्मेटा, पेंटीरियम इज रेडियल सिमेट्रिकली एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन रॉन्ग है, मोलस्का के अंदर क्या होता है, मोस्टली ओविपोरस होते हैं, डेवलपमेंट थ्रू ए ट्रोकोफोर और वेलेजर लार्वा रॉन्ग है, एर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या होता है, जो बॉडी है वो तीन में डिवाइड कर ये है, हेड में, थोरक्स में, एब्डोमेन में, और रेस्पिरेशन क्या से होता है, ट्रैकिया से होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कोडेटा नोटोकोड एट सम स्टेज एंड सेपरेट द यूनिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन हमारा इसके अंदर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एस्कारिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक बाय, एस्कारिस को हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक करैक्टराइज करते हैं, प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू कोलम नोर मेटामेरिज्म, तो सीबीएसई प्रीलिम में आया हुआ ये, तो जो ना तो उसके अंदर ट्रू कोलम होता है ना ही मेटामेरिज्म होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सूडो कोलमिट्स अमंग दीज इज, तो सूडो कोलमिट बताना है कौन सा है, एनालिट्स हैं, मोलस्का है, पोरीफरा है, या फिर एस्कल हेलमिट्स है, या फिर प्लैटी हेलमिट्स है, तो कौन सा है, सूडो कोलमिट्स एस्कल हेलमिट्स है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। और ये किसके अंदर आया हुआ है, ये केरला पीएमटी के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पीक्यूल्स आर फाउंड, तो स्पीक्यूल्स किसके अंदर पाए जाते हैं, ये साइकन के अंदर पाए जाते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड द सब बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस, इसको बताना है कि जो कौन सा एनिमल्स है जिसके अंदर ये जो माउथ है और जो एक ही कॉमन सिंगल ओपनिंग होती है माउथ की भी और एनस की भी, तो किसके अंदर होती है, फेस्किकुला के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यहाँ पर देखो स्पंजिस हैं, ये क्या है, ये तो डिप्लोप्लास्टिक हैं, कोरल्स भी डिप्लोप्लास्टिक हैं, क्रिटोफोरा भी डिप्लोप्लास्टिक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर आएगा इसमें ए, प्लेटफॉर्म से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट, बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है, राउंड वर्म है, वो सूटो कोलमिट्स होते हैं, बिल्कुल सही है ये, और मोलस्का आर एकोलमिट्स हैं, रोंग है ये, इंसेक्ट्स आर सूडो कोलमिट्स रोंग, फ्लैटवर्म्स आर इकोलमिट्स रोंग, तो इसके अंदर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
फिलियम मोलस्का कैन बी डिस्टिंग फ्रॉम अदर इनवर्टिब्रेट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो मोलस्का को कैसे डिस्टिंग करते हैं, इनके अंदर क्या होती है, एक मेंटल कवरिंग होती है, मेंटल कैविटी होती है, एंड बॉडी जो है वो नॉन सेगमेंटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोनी फिशेस, तो बोनी फिशेस क्या है, फिलियम फिश, किटल फिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारा बोनी फिश रिप्रेजेंट करती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू सेम फिलियम, तो किस कौन सा ताने है सेम फिलियम से बिलोंग करती हैं, प्रांस हैं, स्कॉर्पियन हैं, उलकस्टा, ये सेम फिलियम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द करैक्टर ऑफ फाइलम एस्कलहैमिथ विद विच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स ऑफ किंगडम, एनिमल किंगडम। बताना है कि जो एस्कलहैमिथ हैं वो सब फिलियम से अलग हैं, क्यों हैं, पैरासिटिक मोड है, नो, राउंड शेप है, बिलेटरल सिमेट्री है, या फिर सूडो कोइलम है। तो क्या है, एस्कलहैमिथ, सूडो कोइलम, इसलिए सब फिलियम से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल कौन सा है, किंग क्रैब, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमंग द फॉलोइंग द फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन था है, ये चंडीगढ़ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ईमू ये क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर ऑफ बर्ड्स, तो बताना है कौन सा बर्ड का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ईयर सैक प्रेजेंट होते हैं, होल बोन्स होती हैं, एमिनोइड एग्स होते हैं, तो इसके अंदर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टोथर्मिक नहीं होते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग ए यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स का कौन सा एक यूनिक फीचर है, जिन तरह प्रेजेंस ऑफ रिब केज, या फिर होमोथेरेपी, या फिर प्रेजेंस ऑफ फोर चैम्बर्ड हार्ट, यूनिक है मैमल्स का प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, तो मैमल्स के अंदर क्या होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ऑप्शन नंबर इसके अंदर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स कंप्राइज जालैश फिशेज, तो जालैश फिशेज किसके अंदर होती हैं, लैम्प्रेज के अंदर और हैग फिशेज के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स करेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो देखो रेप्टाइला के अंदर पोजेसेस थ्री चैम्बर्ड हर्ट विद एन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वर्टिब्रेट्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वैसे तो बिल्कुल ठीक है कि रेप्टाइल्स के अंदर थ्री चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, बट जो हमारा क्रोकोडाइल है वो भी रेप्टाइल्स के अंदर आता है, बट इसका जो क्रोकोडाइल के अंदर जो चैम्बर है वो फोर चैम्बर हर्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। नेक्स्ट है कॉर्डेटा पोजेसेस ए माउथ विद एन अपर एंड लोअर चा, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉन्ड्रिकाइटस के अंदर क्या होता है, पोजेसेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी, मैमलिया, मैमलिया के अंदर क्या होता है, पोजेसेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ये रॉन्ग है भैया, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा इसके अंदर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन्स आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉग फिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, तो क्रोकोडाइल पेंगुइन्स आपके से सिमिलर कह रहा है, व्हेल एंड डॉग फिश कह रहा है, तो कैसे कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, तो क्या बताना है, क्या कॉमन फीचर है इनके अंदर, पोजेसेस अ सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर है वो ले एग्स एंड गार्ड देम टिल दे हैच, या फिर पोजेसेस बोनी स्केलेटन, या फिर हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी, इनके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोविंग इज ए हेमिकोडेट, तो हेमिकोडेट्स कौन सा है, हेडमेनिया है, डोल्यूलम है, ब्रांचियोस्टोमा है, या फिर बेलेनोग्लोसस है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपोरस मेंबर्स, बताना है कौन सा है, पेट्रोपस है, डॉल्फिन्स है, या फिर बेलेनोपेट्रा है, या फिर क्या है हमारा
ऑर्निथोकाइकस। ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। क्या है? ओविपरस मैमल्स हैं। तो यहाँ पर हमारे जो क्लास इलेवेंथ के चैप्टर फोर के एमसीक्यूज हो चुके हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, क्वेश्चन भी ज़्यादा थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास इलेवेंथ के चैप्टर फाइव के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मुश्किल भी है, इसको थोड़ा याद करना। तो आप सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, एक बार में तो पढ़ने से याद नहीं होगा चैप्टर का, आप अच्छी तरह से पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं, नोट्स से आपको थोड़ा ज़्यादा याद होगा, नोट्स बनाएं इसके और फिर आप इसके एमसीक्यूज करेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और आपको मोस्टली जो आंसर आपको पता भी होंगे। तो आप सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ें, उनको अच्छी तरह से समझें और फिर जो ये वीडियो को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।